हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीटरूट की सब्जी बनाएंगे। इसके लिए हमें ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं है। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसके अलावा मैंने एक पाव 250 ग्राम बीटरूट लिया है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस थोड़ा मोटे साइड से कीजिए ताकि ये देखने में थोड़ा सुंदर लगे। इसके साथ ही आप टोमेटो प्यूरी या छोटा छोटा टोमेटो काट सकते हैं। 2 टोमेटो मैंने बड़े वाले लिए हैं। इसके अलावा हमें चाहिए हरी मिर्ची, जिसको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है, और कुछ करी पत्ते जिनको मैंने धो के रख लिया है। लास्ट में गार्निशिंग के लिए हमें थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर यानी कि धनिया पत्ता चाहिए, जो कि मैंने वॉश करके छोटा छोटा काट लिया है। बस यही सामग्री डलेगी इसमें और सब्जी 5 मिनट में आपसे बात करते करते तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, मेरा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें मस्टर्ड सीड्स डाल रही हूँ। थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स इसमें जाएगा और थोड़ी सी हींग जाएगी। थोड़ी सी मैंने हींग ली है। अब हम इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भूनेंगे। मैं हमेशा वो लेना भून जाती हूँ। इसको थोड़ा सा बस क्रैकल होने तक हमने इसकी वेट करनी है। इसके साथ ही मैं अपनी फ्रेंड्स का थैंक्स करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया। स्पेशल थैंक्स टू रेनू लांबा मैम, जो मेरे रूम में आई और मुझे इतने अच्छे से ग्रीट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा रेनू मैम, थैंक यू। इसके साथ ही श्यामली नाथ मैम, उन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया, इतना अच्छा कोऑपरेट किया मेरे साथ, इतनी देर बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आशा मखीजा, मेरी प्यारी सी सहेली, हम तो एक दूसरे को सहेली ही बोलते हैं, तो उन्होंने भी मेरे लिए इतना प्यारा कमेंट किया। हरवंश नेजा, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा व्हाट्सएप पे मोटिवेट किया। इसके साथ ही अंजू मैम स्ट्रक्चर से, उन्होंने मुझे कॉल करके स्पेशल बोला कि मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करने वाली हूँ, मुझे आप अपना लिंक भेजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए, ये क्रैकल हो गया है, बस इसको थोड़ा अच्छा क्रैकल कीजिए। अगर ये क्रैकल नहीं होता तो ये बात तक कच्चा रहेगा, आप जितना मर्जी इसको बनाइए। तो मैं फिर से बता देती हूँ, मस्टर्ड सीड्स और हींग गया इसमें, बस अभी कुछ नहीं गया, पर मैं इसको अच्छे से क्रैकल करूंगी, नहीं तो ये लास्ट तक कच्चा ही रहेगा। अब ये क्रैकल हो गया है, अब हम इसमें टोमेटो डाल देंगे। ये आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो क्रैकल होने के बाद मैंने इसमें टोमेटो डाला है। टोमेटो बस 2 मिनट में गल जाएगा। इसके साथ ही हम इसमें जो हरी मिर्ची थी, ये हरी मिर्ची जो मैंने चॉप करके रखी थी, वो डाल देंगे। मैं हरी मिर्च ज्यादा डाल दी हूँ, मैं इसमें कोई और लाल मिर्च वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, इसका अलग ही टेस्ट होता है। तो मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी। अब हम इसमें जो मैंने वॉश किया हुआ करी पत्ता रखा था, वो डाल देंगे। तो ये करी पत्ता भी इसमें चला गया। बस इसको थोड़ा सा गलाना है, गैस थोड़ा हाई कर दिया मैंने, और सिर्फ सॉल्ट जाएगा इसमें। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, 5 मिनट में बनती है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और कोशिश कीजिए, अगर आपको मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर पसंद है तो यही ऑयल डालिए, इसमें इसका अलग ही फ्लेवर आता है। अभी मुझे वीडियो थोड़ा सेटिंग करना नहीं आता, नहीं तो आप देखते कितना सुंदर लग रहा है ये कढ़ाई के अंदर, पर मैं अभी थोड़ा सेट नहीं कर पाती हूँ वीडियो, मैं सीख रही हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी पूरी बनने के बाद सब्जी, ये तो भी बन जाएगी आपसे बात करते करते। अब मैं सिर्फ इसमें सॉल्ट डालूंगी और कोई मसाला नहीं जाएगा, तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। हम थोड़ा कम लेते हैं सॉल्ट, शुरू से ही कम लेते हैं सॉल्ट सब, तो वैसे आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बस टोमेटो गलने में 2 मिनट लगेंगे। और हल्दी पाउडर वगैरह, धनिया पाउडर, गरम मसाला कुछ नहीं डालिए आप इसको, एकदम लाइट सब्जी बनाइए। एक्चुअली हम सोचते रहते हैं गर्मियों में कोई सब्जी नहीं होती, वही भिंडी तोरी खा के बोर हो जाते हैं, तो कभी आप इसको बनाइए। इसके साथ बेशक आप थोड़ा दाल बना लीजिए तो बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए, टोमेटो गल गया, हरी मिर्च करी पत्ता सब अच्छे से भून गया है। तो अब मैं इसमें बीटरूट डालूंगी। ये मैंने 250 ग्राम बीटरूट लिया है, तो इसके अंदर बीटरूट, पानी बिल्कुल नहीं जाएगा इसके अंदर, जो पानी है ये इसी में कुक हो जाता है। और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, वैसे हमें बीटरूट खाना अच्छा नहीं लगता सैलड में या वैसे,
तो ये अच्छा तरीका है कि आप अपना कभी कभी ये बना लीजिए। इसके साथ ही अगर आप इसको दो ब्रेड के अंदर फिल करके ऐसे ही कच्चे ब्रेड लीजिए या सेक लीजिए, जैसे आपको पसंद है, उसमें इसका फिलिंग डाल दीजिए। इतना टेस्टी सैंडविच बन जाता है, आप चाय के साथ शाम को स्नैक्स में भी खा सकते हैं। बस आप इसको देखिए, इसका पानी अपने आप छोड़ेगा, ये 5 मिनट इसको ढक के रखना है। उसके बाद हम इसको धनिया से गार्निश करते हैं। बहुत ही स्वाद सब्जी बनती है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट में मुझे अपना बताइएगा कि आपको पसंद आई या नहीं आई। इसको बनाना भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार मैंने ऐसे आलस किया कि मैं इसको कद्दूकस करूँ, इतना देर लगता है, तो मैं इसको ना मैंने उसमें पीस दिया मिक्सी पे, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। इसलिए कद्दूकस करना ही बेटर है। बस आपसे बात करते करते सब्जी बन जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बनी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स अगेन, आप लोगों ने मेरे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एक्चुअली मैं बहुत बोर होती हूँ, अब पहले मेरे पास इतना काम होता था, अब अचानक से बच्चे सेट हो गए, हस्बैंड भी मेरे ज्यादातर टूर पे रहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तो मुझे लगा कि चलो इस तरह से मेरा टाइम पास हो जाएगा, जैसे मैं आज सुबह से इंग्रीडियंट्स इकट्ठे कर रही थी, सब सामान से सेट कर रही थी, इसी में मेरे को आधा घंटा लग गया, तो मेरा टाइम अच्छा पास हो जाता है। और आप लोगों से जुड़ने का भी एक मौका मिल गया मुझे। आप देखिए इसी बहाने मुझे सब पुराने फ्रेंड्स मिले जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं यहाँ से, तो सबसे मेरी बात भी हुई, जिनसे नहीं होती थी उनसे भी मेरी बात हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे को लगा कि सबसे जुड़े रहने का ये बेस्ट तरीका है। देखिए सब्जी एकदम तैयार है, मैं आपको अभी प्लेट में डाल के दिखाऊंगी। अभी देखिए ये जो मैंने चॉप किया हुआ धनिया रखा था ये डाल दूंगी बस। देखिए कितना बढ़िया सब्जी और हेल्दी सब्जी बना है। इसको चाहे आप स्नैक्स में शाम को ब्रेड में लगा के खाइए, रोटी के साथ खाइए। आप टोमेटो अगर टैंगी पसंद करते हैं तो आप टोमेटो थोड़ा ज्यादा डाल दीजिए, मेरे बच्चे टैंगी पसंद नहीं करते ज्यादा, तो मैंने दो ही टोमेटो डाले। तो मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। गैस मैं ऑन कर देती हूँ, आपके गैस आए तो आप इसको साइड डिश की तरह भी सर्व कर सकते हैं। बस आपको ढक के इसको 2-3 मिनट ही रखना है और ये सब्जी तैयार है। देखिए बीटरूट की सब्जी, टोमेटो चाहिए, ओनली सॉल्ट, कोई मसाला मैंने नहीं डाला, हरी मिर्च डाली है, करी पत्ता डाला है, धनिया डाला है। इसके ऊपर आप फिर से धनिया थोड़ा सा डाल के अपना सर्व करके इसको दिखा सकते हैं, और कलरफुल भी कितना लग रहा है। थैंक यू माय फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं एक पूरा इटालियन मील बनाऊंगी, जो कि आपको अपने रक्षाबंधन में अपने भाई भाभी या अपनी दीदी जीजू के साथ उनके लिए बना सकते हैं। तो मैं जल्दी एक इटालियन मील का पूरा लंच मेन्यू बना रही हूँ, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई बार मैं व्हाट्सएप में सबको शेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो फॉर माय नेक्स्ट वीडियो विच इज अ टोटल इटालियन मील। थैंक यू सो मच, थैंक यू।